एक मिनट, ये क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी, मैं तो वही कर रहा हूँ जो तय हुआ था। तुम्हारे पति ने तुम्हें बताया नहीं था क्या? तुम्हारे पति ने ना तुम्हें एक रात के लिए मेरे पास दिया है। क्या रोहन? रोहन? हाँ, क्या हुआ सर? ओए, तुमने बताया नहीं इसे कि तेरी बीबी एक रात मेरे साथ रहेगी? रोहन, ये सब क्या चल रहा है? ये सब तुम मेरे साथ जरा बाहर आओ। अरे ये तुम क्या कर रही हो नीतू? देखो सर जो बोल रहा है तुम उनकी बात मान लो, और पता है कल ही कल में क्या हो जाएगा, मेरा प्रमोशन हो जाएगा और हम ना इस छोटे से घर में नहीं रहेंगे, बहुत बड़े घर में रहेंगे और अपने सारे सपने पूरे हो जाएंगे। प्लीज बाबू मेरी बात मान लो, एक रात की तो बात ही है ना। सर अब वो मान चुकी है, अब आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। एक मिनट, तू अगर बाहर जाएगा, अगर उसने फिर से ड्रामा चालू कर दिया तो ऐसा कर, तू यहीं बैठ सामने और अपनी आंखों से सारा नज़ारा देख। अरे नहीं सर, मैं बाहर जाकर वेट करता हूँ। नहीं, मैं भी तुझसे कुछ बोल रहा हूँ ना, यहाँ बैठ और सामने देख, ठीक है? तो बैठ जाके। अरे क्यों वो बॉस, कुछ गलती की है क्या इसने? नहीं, इसकी कोई गलती नहीं है इसमें। मैंने नहीं ये सब तुझे परखने के लिए किया था। मतलब कितना गिरावा और लालची इंसान है, अपनी बीवी की इज्जत लुटवा रहा था। तू तो बहुत लालची इंसान है, पता नहीं हमारी कल को कंपनी के साथ तू क्या कर दे। इसलिए ना मैंने तुझे पहले ही परख लिया था। और हाँ, तू इस काम के लिए राजी हो गया था ना, और जब ही समझ गया था बहुत लालची इंसान है, तो इसलिए ना मैंने तुझे वहां बैठने के लिए बोला। मैंने सोचा कि तू थोड़ी बहुत आंखों में तुझे शर्म आ जाएगी अपनी बीवी को देखकर, लेकिन तू ये तो वो भी नहीं आई। तुझ जैसा आदमी की ना मेरी कंपनी में कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, तुझे ना आज ही के आज और अभी के अभी अपनी कंपनी से तुझे निकालता हूँ। आज के बाद ना मेरी कंपनी के आसपास भी मत दिखाई दे जाना, समझे? या कहीं का